plastic is not a one-time ban or a one-time issue. Plastic, if used irresponsibly, causes major catastrophic, I should say, not even major, catastrophic effects it has. So, although in Maharashtra the single-use plastic is banned, but for some reason, initially the enforcement was quite strict. But somehow, as civil society, we are not very self-disciplined. And therefore, we keep going back to our old ways and adding to it. Regarding the floods in Mumbai, there are various issues. But the misuse of plastic is certainly a major one. Because when you throw the plastic irresponsibly, plastic comes right back to us. So everything has got its positive and the negatives. The smart thing to do is to use the positive and not encourage the negative. So plastic ban is for the enforcement to take place. But responsible behavior on all of us citizens, and in context of the housing society exhibition and seminars, all the housing society management must ensure that proper separation of waste takes place and plastic is not put into the recyclable, compostable waste. So when it goes into the recycling, the plastic, whichever is allowed to be used, will also be properly disposed of. The indiscriminate disposal of plastic causes major issues affecting each one of us. So it may start from one part of the city, but every one of us will get affected in the long run. I have to differ a lot. We will discuss that. Maybe he wants to start with some other thing. देखिए मुंबई में लगभग 35,000 हाउसिंग सोसाइटी है और महाराष्ट्र में लगभग 1,00,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है. जब हाउसिंग सोसाइटी काम करती है, हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस बेयरर को बहुत सारा दिक्कतें आती हैं कि जो वेस्टेज मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका फायर ब्रिगेड का जो भी गाइडलाइंस किधर से मिलेगा, फिर पानी का कैसा होगा. तो अलग अलग अपने हाउसिंग सोसाइटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या लीकेज को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं. तो अलग अलग वेंडर्स किधर मिलते हैं, ये सब जानकारी उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था. तो 3 साल के पहले हमने इस प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट शो शुरुआत किया, जिसमें अलग अलग NGO को हमने साथ में लिया और लगभग 100 के ऊपर जो अलग अलग वेंडर्स हैं वो इस एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं. और हमने इसमें दो तरह का चीज़ ज्वाइन किया है. एक तो नॉलेज शेयरिंग, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस लेवल का लीगल नॉलेज देने के लिए या स्पीड में जो काम करते हैं उनको हम इधर कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, और उसी तरह से एग्जीबिशन में उसी तरह का लोग एग्जीबिशन में भी अवेलेबल है, वेंडर्स अवेलेबल है. तो इस तरह सर्टिफाइड वेंडर्स अवेलेबल है और आपको पूरी तरह का ये क्या होता है कि ऑप्शंस मिले कि अलग अलग वेंडर्स मिलने के बाद आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर लेना है तो 10 सॉफ्टवेयर का वेंडर्स इधर अवेलेबल है. आप उधर चर्चा कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर कैसा होता है, क्या होता है, अकाउंटिंग क्या करना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इधर मिलता है. इस तरह से बहुत अच्छा एक कंपोजिट एक किया है. ये हमारा साल का एक बार होता है, फेब्रुअरी में होता है और ये तीसरा हमारा एग्जीबिशन. देखिए इस मुद्दे में देखिए मुंबई में जो स्लम्स है वो SRA उसको हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करते हैं. वो हाउसिंग सोसाइटी जिसने आज लगभग 3,000-4,000 हाउसिंग सोसाइटी स्लम से कन्वर्ट हुए वो भी इस एग्जीबिशन में आते हैं. क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी बनने के बाद हमारा एग्जीबिशन में आके हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कैसा किया जा सकता है, उसके अलग अलग वेंडर्स कौन है वो आ सकते हैं. तो स्लम का पहले की जो बात है वो SRA का जो बिल्डिंग बनाने के बारे में हम इधर जानकारी नहीं देते. मास सेवा, वी कॉल इट एज ए महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन. That's correct. Over the last 3 years, a lot of people must have approached it. How many societies are your PNCs associated with? Right now, agree. आज के तारीख में हमने जो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर में कोई पैनल तैयार नहीं किया, क्योंकि ये डिमांड बहुत सारा आ रहा था. अभी हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक पैनल तैयार करेंगे, क्योंकि पैनल तैयार करने के बाद उसमें जिम्मेदारी भी है और उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन करना पड़ता है. तो अभी हम यही लास्ट वीक में हमने निर्णय लिया है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, क्योंकि सेल्फ डिटेल बुक रिलीज हमने आज किया. वो बुक रिलीज करने के बाद ऐसे एक जानकारी मिला, लोगों ने पूछा कि आपने अपना बुक में लिखा है कि अप्रूव्ड PMC, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड
टीएमसी किधर है? तो हमने बोला कि गवर्नमेंट ने ऐसा पैनल तैयार नहीं किया, तो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर क्यों नहीं करते? तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है क्या हमने किया है, पैनल तैयार नहीं किया, अब हम तैयार करेंगे। देखिए आईओडी लेने का 6 महीने के अंदर मिल सकता है। एक बार आपने अपना प्लान पास किया, मतलब मेंबर ने अपना अपना एरिया तय किया और सेलेबल एरिया क्या है वो तय हो गया, प्लान फ्रीज किया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन डालने के बाद ऑल कंसेशन आपको 6 महीने में मिल सकता है मैक्सिमम। लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो सर, सेल्फ एड का किताब जरा देखते हैं, दो कॉपी लिखी है। क्या होता है कि ये एक पीएमसी बोलता है आपको 22% इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पीएमसी आके बोलता है 32% हो रहा है, कोई आके बोलता है आपको 8% ही मिल रहा है। तो ये हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में आए इज नॉट क्वालिफाइड इन एनी स्टडी टेस्ट, कैसे हाउ डू यू अराइव व्हिच पीएमसी इज राइट, बिकॉज़ देयर इज ऑलवेज अ होल समबडी एल्स विल कम एंड गिव मोर। सर बिल्डर तो दूर कर रहा है इस पीएमसी से, विल कम टू दैट, बट ऑथेंटिक पीएमसी का एक पैनल हम तैयार करेंगे। I can only tell you, but other thing I'll discuss you offline. Yeah. हाँ देखिए, शुरुआत करते हैं हम पानी को लेकर, पानी का जो प्योरीफिकेशन है, पानी का जो वेस्टेज होता है रुकता है, तो वेरियस पाइपलाइंस है वो लेकर हमने पानी को लेकर, फिर पानी का बचत कैसा हो सकता है उसके ऊपर हमारा कॉन्फ्रेंस भी है, और उसके बाद हमारा बहुत सारा वेंडर्स भी अवेलेबल है, तो पानी का बचत कैसा हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी लेकर उसका अलग अलग वेंडर्स है। दूसरा आता है फायर को लेकर, क्योंकि आज आग लगता है बहुत कुछ होता है, तो फायर ब्रिगेड वाले को हमने बुलाया, इधर कॉन्फ्रेंस होता है वो एजुकेशन करते हैं प्रिवेंशन कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, उसके बाद फायर सेफ्टी ऑडिट कैसा होता है, तो फायर ऑडिटर्स है उसका अलग अलग एक्सपेंडिचर्स है, और फायर बॉल्स है उसका वेंडर्स का जो है उधर एग्जीबिशन होता है। तीसरा आता है हमारा क्लीनलीनेस, क्योंकि आपको बिल्डिंग को हाउसकीपिंग क्लीनलीनेस होना चाहिए, क्लीनलीनेस में क्या सुविधा बीएमसी का देते हैं, क्या उसका सेग्रीगेशन का है वो इधर कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, बीएमसी का वो जो ऑफिसर ड्यूटी है वो भी आते हैं वो हमें बताते हैं, उसके बाद उनका बीएमसी का उधर स्टॉल डाला हुआ है वो स्टॉल को लेकर, उसके बाद बाकी के जितने भी क्लीनिंग का है, फिर रिसाइकलिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग होना चाहिए, वो उसके बारे में जानकारी इधर देते हैं, फिर उसका सेग्रीगेशन का अलग अलग वेंडर्स हैं वो है, फिर आपका कंपोजिंग सेग्रीगेशन, फिर सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर लगता है सोसाइटी में, बिलिंग बनाना, हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट करना, फिर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब आपका सीसी कैमरा ये वो, फिर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो भी है उधर व्याख्यान होता है, पुलिस वगैरह के इधर बताते हैं कि आपको डाटा कैसा लेना चाहिए सेफ्टी से, तो उसी तरह से किस तरह का सिक्योरिटी गार्ड्स है, सिक्योरिटी ट्रेन ऑफिसर्स है, सर्टिफाइड लोग हैं उनका वेंडर्स है, हाउसकीपिंग का वेंडर्स है, फिर नॉलेज बुक्स है, अलग अलग एनजीओस जो है जो काम करते हैं, जैसे कि वीक है जो आपका रोड सेफ्टी है, इलेक्शन का बारे में है, बाकी का सिटीजन का राइट्स के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, राइट टू सर्विस के बारे में, ये पूरी जानकारी देते हैं, और बीएमसी में जो उपलब्ध है जैसे कि सेग्रीगेशन वगैरह करते तो आपको रिबेट मिलता है 15% प्रॉपर्टी टैक्स में, वो सब जानकारी वो अपना स्टॉल में देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एनजीओस इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फेडरेशन काम कर रहे हैं और वेंडर्स काम कर रहे हैं, ये सब का हमारे एग्जीबिशन में हमने एक शोकेस किया। मैं भी शुरुआत से जैसे रमेश जी ने कहा, ये पूरा हाउसिंग सोसाइटी की जब शो शुरू हुई थी 2 साल पहले, तो तब से ही मैं जुड़ी थी। और देखिए क्योंकि हमारा जो काम है, जैसे मैंने बोल रहे थे जब इनॉग्रेशन हो रहे थे आप भी थे उधर, कि हमारा मुंबई शहर में यानी महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक जगह में आपका ये बहुत सारे मेंबर्स है और देर इज़ वन वे ऑफ अप्रोचिंग ऑल ऑफ देम, और ये लीगल एंटिटी है, ये सबसे बढ़िया है। आप इलेक्शन के तरफ से देखेंगे, पिछले साल पहले साल थोड़ा हम लोग पहले बार शुरू की थी, तभी भी काफ़ी वेंडर्स आए हुए थे, तभी भी हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमने लेके आए थे इधर, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके साथ जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, एक तो वेंडर्स है, दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर जैसे MCGM, इनके साथ एक गठबंधन होना चाहिए, एक
लीडरशिप होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी इधर आके स्टॉल लगाई पिछले बार। जैसे बाकी सारे बात में बात हुई थी, दूसरा आपका पेस्ट कंट्रोल, जैसे अभी जैसे ही मौसम बदले होएंगे तो मच्छर का बात तो होता ही रहता है, तो उधर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। पिछले साल जैसे जो सेकेंड ईयर थे, उधर हमने एक MCGM का तरफ से, BMC का तरफ से हमने वो क्या किया था कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, पेट नॉट ओनली डॉग। बहुत सारे हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो वो इलीगल हो जाते हैं। ये जो सो छोटे छोटे बात है, क्योंकि आप देखिए हर हाउसिंग सोसाइटी में पेट्स रहते हैं, किसी ना किसी का है, तो जो हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट जो है, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको भी तो जानकारी होना चाहिए कि क्या, व्हाट आर द कंप्लायंसेस। भले कंप्लायंसेस मेंबर की तरफ से होना चाहिए,